ग्रामीण विकास अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा द्वारा सरकार को जगाने के लिए नीमच जनपद पंचायत पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया और प्रार्थना की गई कि सरकार जागे और उनकी मांगों को पूरी करे। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के दौरान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारी और कर्मचारियों ने पिछले दिनों विधायक, कलेक्टर एवं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग को रखा। सरकार द्वारा संयुक्त मोर्चा की मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर 17 विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंगलवार को जनपद पंचायत परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया और बालाजी महाराज से सोई हुई सरकार को जगाने की प्रार्थना की। संयुक्त मोर्चा के संरक्षक राजेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 विभागों के अधिकारी कर्मचारी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। सभी ने सोई हुई सरकार को जगाने के लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना हेतु मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया और बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि सरकार को जल्द जगाएं और सरकार के ही कर्मचारियों की प्रमुख मांगें जल्द पूरी करें। इस दौरान बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी और 17 विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा तत्वाधान के माध्यम से आज हमारा 5वां दिन है और आज हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि आज मंगलवार का दिन है और इस मंगलवार के दिन हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमारे पांडाल में आप जैसे कि देख रहे हो, हमारे समस्त मोर्चे के समस्त पदाधिकारी एवं हमारे संयुक्त मोर्चा के जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी मिलकर आज प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि वह सरकार को, जो कि सोई हुई सरकार है, और वह जागे और उनके जो कर्मचारी है उनकी बातों को सुने और बहुत जल्द इन बातों का वो निराकरण करें। हमारी जो निम्न मांगे हैं, जो कि हमने पहले भी आप लोगों को बताई गई है और आज भी हम आपको फिर से बता रहे हैं, हमारी जो नियमितीकरण की मांग सर्वप्रथम मांग है, अगर हम लोग सारे संगठन के कार्यकर्ता लोग जितने भी है, अगर हम सभी को नियमित कर दिया जाता है तो हमारा आधा काम हो जाएगा, बाकी चीज उसके पीछे सारी चीज अपने आप हो जाएगी, क्योंकि नियमितीकरण एक ऐसा साधन है जिससे कि हम सभी लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हमारे संघ के पदाधिकारी लोग के साथ जितने भी कर्मचारी है, लगभग 10 से 15 साल या 20-20 साल तक की नौकरी हो चुकी है और यह संविदा कलंक है, इस कलंक को हमें मिटाना है। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दें और उस सद्बुद्धि उनको मिले और जल्दी से इसका निराकरण करें।